सोलन में जहां कोरोना के कारण लोगों में दहशत है, वहीं अब इसका असर पर्यटन पर भी पड़ने लगा है। पर्यटक कोरोना के डर से हिमाचल का रुख नहीं कर रहे हैं। सोलन के आलिशान होटल जो कुछ दिन पहले तक पर्यटकों से भरे रहते थे, जहां एडवांस में बुकिंग में लेनी पड़ती थी, आज यहां जाने वाले होटल खाली पड़े हुए हैं। यहां तक कि होटलों के रेस्टोरेंट भी खाली पड़े हैं, जिसके चलते होटल व्यवसायियों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही हैं। सोलन में जहां कोरोना के कारण लोगों में दहशत है, वहीं अब इसका असर पर्यटन पर भी पड़ने लगा है। पर्यटक कोरोना के डर से हिमाचल का रुख नहीं कर रहे हैं। सोलन के आलिशान होटल जो कुछ दिन पहले तक पर्यटकों से भरे रहते थे, जहां एडवांस में बुकिंग में लेनी पड़ती थी, आज ये जाने माने होटल खाली पड़े हैं। यहां तक कि होटलों के रेस्टोरेंट भी खाली पड़े हैं, जिसके चलते होटल व्यवसायियों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही हैं। उनकी माने तो अगर ऐसा कुछ और समय तक चलता रहा तो उनका व्यवसाय बिल्कुल चौपट हो जाएगा और कर्मचारियों का वेतन निकालना भी मुश्किल होगा। होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों ने कहा कि सोलन के होटल ज्यादातर खाली हैं। कोरोना के कारण पर्यटक हिमाचल का रुख नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि शादियां और अन्य समारोह भी कोरोना के डर से रद्द कर दिए गए हैं, जिसके चलते उन्हें बेहद आर्थिक तंगी उठानी पड़ रही है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी पर्यटक होटलों का रुख नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, वे सराहनीय है, जिसका वे स्वागत करते हैं। इन्हीं निर्णयों की वजह से आज हिमाचल कोरोना से बचा हुआ है। मैं मैनेजर हिमानी रिजॉर्ट सोलन की तरफ से बताना चाहता हूँ कि बिजनेस पे, होटल इंडस्ट्री पे भी कोरोना वायरस के आने से बहुत बुरा प्रभाव पड़ा हुआ है। सारी मैरिज पार्टियाँ कैंसिल हो रही हैं, जितनी भी रिटायरमेंट पार्टी, किट्टी पार्टी सब कैंसिल हो रही हैं। बिजनेस पे बहुत गंदा प्रभाव पड़ा हुआ है, जिसका सारा बिजनेस ना के बराबर हो गया है। परंतु जो हिमाचल सरकार और प्रशासन, सोलन प्रशासन द्वारा लिया जो गया जो कदम है, वो सराहनीय है, क्योंकि कोरोना महामारी से बचने के लिए तो एक ये कदम उठाना ही चाहिए था, ताकि बिजनेस पे तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ा हुआ है। बिजनेस सारा सारा दिन सारा खाली रहना पड़ता है। देखिए, जो ये कोरोना वायरस फैला इतनी बुरी तरह से, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने तो बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है कि ज़्यादा गैदरिंग ना करें, क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी है। तो उस वजह से गैदरिंग के लिए जो मना किया वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हाँ, बिजनेस लाइन में तो इसका प्रभाव पड़ेगा ही। अब जैसे कि कोरोना वायरस के डर से लोगों ने जैसे 15 दिन के लिए बंद कर दिया है, तो लोगों ने आना ही छोड़ दिया है डर के मारे। और है भी अच्छी बात, वैसे तो अच्छी बात है कि अपने लिए प्रिकॉशन लेनी चाहिए, लेकिन अगर एक इंडस्ट्रियल होने के नाते देखा जाए तो उनके लिए तो लॉस है ही है। वैसे सरकार की बात ठीक है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो सरकार हमारी कह रही है, ये है हमारी वो है, कि इससे जितना बचा जाए उतनी अच्छी बात है। इंडस्ट्री का प्रभाव थोड़ा असर तो पड़ेगा ही, पर फिर भी इंडस्ट्री वाले सारे पूरे इस बात से जागरूक हैं कि जो बाहर से कोई आएगा उसको बहुत ध्यान से रखने वाली बात होती है। और वैसे यहाँ पर लोग अब आ ही नहीं रहे हैं कि जो इस बीमारी से समझते हैं कि अपने आप को बचाने के लिए, नहीं आ ही रहे हैं। गैदरिंग तो ठीक कह रहे हैं कि इससे बचा जाए, पर सब लोग अब इतने जागरूक हो चुके हैं कि वो खुद ही इकट्ठे नहीं होना चाहते। हर आदमी अपने आप को बचाना चाहता है कि मैं खुद बचा रहा हूँ, वो जाएगा ही नहीं इसके अंदर, किसी के अंदर भी, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे कहीं भी जाना हो, तो नहीं जाएंगे लोग अब।